हाय ना सबके जाऊं। आपके बाल कितने प्यारे हैं। शर्ट कितनी प्यारी पहनी हुई है आपने, रेडीमेड है या सिलवाई है। उस दिन भी आपने बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था जब आप अस्पताल आई थी ना, वो जिसके ऊपर गोटे किनारे का काम हुआ हुआ था। बैरी पिया है सन के जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। बैरी पिया है सन के जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। वैसे ये अच्छी हरकत की आपने, उसे मुझसे वादा करके गए थे कि आके डिटेल बताऊंगा, और वहां जाकर ये हरकत बहुत दूरी बात है। आपको पता है आपकी वजह से मैं अपने बच्चों से मिलने भी नहीं गई कई दिनों से, एकदम मिस कर रहे हैं मुझे। ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ बोले ना। मेकअप खुद करती हो? अच्छा लग रहा है। अब वो पार्किंग वाला कह रहा है कि अपनी गड्डी हटाए, रास्ता रुका हुआ है। अभी कर लूंगा। नहीं, वो इमरजेंसी के सामने गड्डी खड़ी है ना, तो परेशानी हो रही है, अभी जाए। जाए ना, हटाए। जाऊं जी। ध्यान से। हाँ मैं रख लूंगा, मैं आती हूँ। हेलो अबर जी, कोई ख्याल है आपको? मजे से आप यहाँ लेटे हैं और वहां मेरे बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। आपके बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं? जी, मेरे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, पावर पैक सूप। दो प्याले पियेंगे ना बाबर जी, दौड़ते फिरेंगे आप। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे बड़े सब मिलाकर तकरीबन 22। 22 बच्चे? हाँ जी, अभी तो एक दो जगह और भी बातचीत चल रही है, 3-4 और भी एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह। दो दर्जन बच्चे इतनी सी उम्र में? माशाल्लाह बोले फौरन, शाबाश माशाल्लाह। चले ये पीकर बताएं कि कैसे। अच्छा नहीं लगा? जरा नहीं अच्छा। कोई बात नहीं, पीना भी पड़ेगा क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है। पिए पिए। हाय मैं सबके जाऊं। आपके बाल कितने प्यारे हैं। Really? मेरे भी बहुत लंबे बाल थे, कटवा दिए जालिमों ने। किन्होंने कटवा दिए? वो जो दो नाई थे। तो नहीं कटवाने थे ना बाबर जी? वैसे कब की बात है ये? पुरानी बात है, इतनी पुरानी भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिर से लंबे कर लें, आई थिंक आपको सूट करेंगे। इतने सूट करते थे, इतने सूट करते थे, एक दफा मैंने गोल्डन डाई करवा लिए। सब कहते थे कि गोल्डन डाई। और क्या कहने लगे सर? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताए ना। कुछ नहीं। कमाल है, आज तो बड़े दिलचस्प हकायक सामने आ रहे हैं बबर जी। बस मुंह से निकल गए। अच्छा बालों को छोड़ें, आप सूप पिए। बहुत प्यारे हैं। क्या बाल? सूप। सूप ठीक है बाबर जी, सूप पीते रहिएगा और मुझे इजाजत दें। शर्ट कितनी प्यारी पहनी हुई है आपने,
रेडीमेड है या सिलवाई है? हमारा अपना टेलर है, आप कहें तो आपको भी सिलवा दूं। क्योंकि अब शायद उधर जाना ना हो। कहाँ? फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक पूरा बाजार है जहाँ सिर्फ हमारे कपड़े बनते हैं। वाह, क्या बात है आपकी शाहजी। उस दिन भी आपने बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था जब आप अस्पताल आई थी ना, वो जिसके ऊपर गोटे किनारे का काम हुआ हुआ था, बहुत प्यारा था, बड़ा जच रहा था आपको। उस तरह का मैंने भी सिलवाया था, मैंने तो इधर प्लेटें डलवाई थी। जी, आपने सिलवाया था, आपने क्यों सिलवाया था? वो मेरे एक वो मेरे दोस्त की बीवी के लिए वो उसने कहा था ना वो। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी नोट करते हैं। करनी पड़ती है ना बाजी। शाजी, बाकी सब लोग मुझे मुन्नी बाजी कह सकते हैं, लेकिन आप मुन्नी जी भी कहेंगे तो चलेगा? ठीक है, मैं आपको मुन्नी जी कहूंगा, आप मुझे लाली। लाली कौन कहते हैं आपको? अम्मा हाजन। आपकी मदर, राइट? माफी चाहता हूँ शाहजी, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं अभी फिर रुक से चाहती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा लाली जी, सू पीते रहिएगा बाबू भाई, प्लीज ख्याल रखिएगा। जरूर। ओके लाली जी। ओके मुन्नी जी। ओके लाली जी। हेलो लाली जी, आई नो आपने अंदर आने से रोका है, मुझे बोला था वगे भाई ने, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप उसको नहीं डांटेंगे। पता है पहले मैंने सोचा कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब कोई कहता है ना कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। जी, तो दरअसल उसी वक्त में ही तो हमें दूसरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना जी। लुक लाली जी, मैं अगर आपसे ये कहूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये अपने निशानात पीछे छोड़ जाएगा। लाली जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। लाली जी, आप रो रहे हैं। लाली जी, और क्या प्यास काट रहे हो? लाली जी, आप मत रोएं प्लीज। लाली जी, मुझे भी रोना आ रहा है आपके साथ। लाली जी, पूरा जीवन नगर जिस बबर शाह डरता है वो यूं बच्चों की तरह रो रहा है, प्लीज। अच्छा, आप उठे जरा, आप उठें, ये देखो। लाली जी प्लीज मत रोएं। लाली जी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप इस तरह किसी के सामने नहीं रोते होंगे। आई एम ऑनर्ड लाली जी कि आप इस तरह रो रहे हैं मेरे आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ उसके सामने रो सकते हैं जिसके सामने रोकर हमें अपना आप कमजोर नहीं लगता। पर सच्ची बात ये लाली जी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपको रोता देखकर। पर एक और सच ये भी है कि
मुझे अच्छा लग रहा है आपकी ये साइड देखकर। एक और भी गल है जी। दसो जी। मनुना तुहाड़े नाल थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है जी। कसमें। कसमें। हैरान हो गए ना? मैं भी। वो कहना कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखती लाली जी, बस दिल में जो होता है वो साफ साफ बोल देती हूँ। कसमें। कसमें। क्या है ना लाली जी, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, नो लाइबिलिटी है ना। मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। मुझे इजाजत है लाली जी। कसम खा झूठी ना करती हूँ, बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। बब्बर जी देखिए जीवन नगर हफ्ता रात 8 बजे क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।